हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनटीपीसी से रिलेटिव। बात करेंगे एनटीपीसी। दोस्तों, एनटीपीसी की जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है, कट ऑफ अगर अलग अलग जोन को आप चाहते हैं कि सर हमें अलग अलग जोन की जो पिछली कट ऑफ है वो प्रोवाइड कराएं, तो इसलिए आप कमेंट जरूर करें। और ये वीडियो उन सभी के लिए है जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं कि किस जोन से फॉर्म अप्लाई करूं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाया गया है, जो सर्वे किया गया था, बहुत सारे यूट्यूबर आप सभी को पता है डाल रहे हैं ये उसको सर्वे के आधार पर हमने जो 3-4 यूट्यूबर के जो फ्रेंडली हैं उनसे जो बात की है, और जो आप यूट्यूब देख रहे हैं उनका सर्वे क्या कर रहा है कि कब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। बट 100% नहीं कहा जा सकता कि कंफर्म है, बट दोस्तों 10 से 15% ही सही चीज़ बताई जा रही है। क्योंकि देखा कि अभी सर्वे किया है, तो सर्वे के अंदर हमने देखा कि अनुमानित आंकड़े बताए जा रहे हैं, तो आप इसके अंदर न रहें, अपना फॉर्म अपना डिवीजन के हिसाब से भरें। अगर आपको लग रहा है, हाँ, लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करेंगे तो मैं आपको 100% सही कट ऑफ बताऊंगा कि सही कट ऑफ क्या है क्या नहीं है, उस आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि अलग अलग जोन की चाहिए या फिर सभी एक साथ जोन की, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता 18 जोन है। 18 जोन के अंदर अगर हम एक साथ वीडियो बना लें तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप या तो मैं दो दो जोन के साथ में बनाऊंगा, या आप कमेंट करें कि सर पर्सनल पर्सनल अलग अलग जोन की जो 18 जोन की है वो 18 जोन की मैं अगले 5 दिन के अंदर, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं पिछले 5 दिनों के अंदर अंदर वो पूरी अपडेट कर दूंगा। यानी आज 13 तारीख है, 20 तारीख से पहले पहले पूरी अपडेट कर दूंगा, जिससे कि आप उस डेट के आधार पर फॉर्म भर सके। तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और रेलवे संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर लीजिए, जो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम बात करेंगे उन सर्वे की। दोस्तों 100% नहीं कह सकते, हाँ 15 से 20% कह सकते हैं कि यही सही चीज है। तो बात करते हैं कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, इन जोनों से फॉर्म अच्छे रहे हैं कि किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे अहमदाबाद की। यहाँ पर आप देखिए 90,000 के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं। वही अजमेर में 35,000 के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं। उसके बाद इलाहाबाद के अंदर जो है वो 30,000 के आसपास है। उसके बाद बेंगलोर के अंदर 15,000 के आसपास है। भोपाल के अंदर 35,000 के आसपास है। भुवनेश्वर में जो बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं, और बिलासपुर के अंदर 45,000 हैं। उसके बाद में चंडीगढ़ में 44,000 हैं। चेन्नई के अंदर 98,000 हैं। वहीं गोरखपुर के अंदर लगभग 12,000 हैं, और यहाँ पर 44,000 हैं। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में बहुत कम है, और यहाँ कोलकाता के अंदर 10,000 के आसपास भरा गया है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्वे किया जा रहा, सर्वे के अनुसार है 8,000 मालदा से, मुंबई से 21,000, और जो फिरोजाबाद से 25,000, पटना से 64,000 है, रांची से 5,100 है, वही सिकंदराबाद से 31 है, उसके बाद में सिलीगुड़ी से 95 है, उसके बाद में तिरुवनंतपुरम से 35 है। तो ये सटीक आंकड़े नहीं है, बट दोस्तों जो सर्वे किया गया है उस सर्वे के अनुसार बताया गया है। तो आप इसके अंदर नए कट ऑफ के लिए आप हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। नई वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।